सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुख के भेदों पर मनन चिंतन करेंगे। पहला भेद है गस्समनी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा, और इसके लिए मनन चिंतन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 36 से 46 तक। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गस्समनी नामक बारी पहुंचे तो वे उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेत्रस और जेबेदी के दो पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने मरने को हूँ, यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुँह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के साथ गए पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेत्रस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना टल सकता है तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोता हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज इन वचनों पर मनन करते हुए कुछ बातों पर हम लोग गौर कर रहे हैं। इसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुझे स्पर्श करता है, वो है कि यीशु चेलों को बिठाते हैं और खुद प्रार्थना करने जाते हैं। तुम लोग यहाँ बैठे रहो और मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम प्रार्थना में बहुत ही जब ढीले पड़ जाते हैं, हमसे प्रार्थना नहीं होती है, हम सोचते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं हो रही, हम क्या करें। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमें बहुत उत्साहित करता है कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम नए नियम में पढ़ते हैं, दो तीन जगह पर प्रभु का वचन बोलता है कि यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी सांत्वना वाली बात है कि यीशु हमेशा हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पेत्रस भी जब वो अस्वीकार करने के लिए जब प्रभु ने उसको वार्न किया था, तब भी यीशु ने बोला था, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। तो जीसस इज ऑलवेज देयर टू प्रे फॉर अस, दिस इज वन थिंग। एंड दूसरी चीज ये है कि प्रभु बहुत उदास होकर के वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। इब्रानियों का ग्रंथ 5 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने रो रो करके प्रार्थना किया, रो रो करके प्रार्थना किया, और श्रद्धालु के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी करना ये उनका एक परम कर्तव्य था, और उनके अंदर एक यही इच्छा थी कि मैं ईश्वर मेरा क्या कहता है, मेरा पिता मुझसे क्या कहता है। और हम धर्म शिक्षा में पढ़ते हैं कि ये प्याला पिता की ओर से यीशु को दिया गया, और यीशु जानता था कि ये पिता की ओर से ही प्याला है। फिर भी वो उनके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा था, एक भयंकर संघर्ष चल रहा था कि शरीर जो है वो तो चाहता है कि मैं क्रूस ना उठाऊं, ये प्याला ना उठाऊं, लेकिन आत्मा तत्पर है। उन्होंने खुद भी बोला कि पद संख्या 41 में, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। तो यहां पर शरीर और आत्मा का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, संघर्ष है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बात आती है, एक डिसीजन लेने वाली बात आती है, दुख उठाने की बात आती है, तो हम अक्सर विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं।
और ऐसे में हमें तुरंत निर्णय लेना है, ईश्वर की मर्जी क्या है। अगर ईश्वर की मर्जी है ये प्याला मैं पीऊं, हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, अगर उसको स्वीकार करने में हम उसको सहने में परेशानी है, तो हमें एक निर्णय लेना है, प्रभु की ओर से इसे स्वीकार किया जाए, प्रभु की ओर से इसे स्वीकार किया जाए। मेरे भी जीवन में एक बार बहुत कष्ट आया था, मेरे कान का जब ऑपरेशन था तो ऑलरेडी मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन चौथा ऑपरेशन मैं तैयार नहीं था उसके लिए, और मैं रो पड़ा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। और ऑपरेशन करने के बाद भी मेरा कान पूरा ठीक नहीं हुआ। ऐसे में मैंने एक कैलेंडर पे नज़र पड़ा, डॉन बॉस्को कैलेंडर, उसमें लिखा था एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इफ कमिंग्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गॉड। मेरे को इससे बहुत तसल्ली मिला कि जो भी हो रहा है उसको ईश्वर की ओर से स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद में मैंने धन्यवाद देना शुरू किया, वो कान उसी समय बहना बंद हो गया। तो यीशु भी यहां पर दुखी हैं, लेकिन उनके दुख का कारण क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि दुख का कारण शायद वो वेदना है, शारीरिक कष्ट, क्रूस का कष्ट जो उनको भोगने वाला था। उनको मालूम था मुझे अपमानित किया जाएगा, वो खुद 3 बार भविष्यवाणी कर चुके थे कि मुझे गैर यहूदियों के हाथों में मुझे सौंप दिया जाएगा, और वे उसको अपमान करेंगे, उसको थूकेंगे, उस पर कोड़े लगाएंगे, और वो उसको क्रूस पर चढ़ा करके कीलों से ठोक करके मार देंगे। ये सब उनको मालूम था, लेकिन वेदना का कारण सिर्फ शारीरिक वेदना नहीं है, लेकिन उनका एक और मुख्य कारण है जिसको स्कॉलर्स बताते हैं कि he was supposed to be separated from God the Father. That was his great agony. क्योंकि यीशु ने कभी भी पिता से अलग नहीं है, और यीशु जो पिता दूसरा व्यक्ति है, ईश्वर का जो दूसरा व्यक्ति है, वो कभी अलग हो भी नहीं सकता। लेकिन एक शरीर में पीड़ा होते हुए मानव पुत्र होने के नाते और हम सबके पापों के कारण उसको पिता ईश्वर से सेपरेट होना था। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, दूसरे पहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधकार छाया है। दैट वॉज द 3 आवर्स एग्नी, ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फादर, पिता की उपस्थिति से अलग हो गया था। और यही चीज सोच करके वो कि मुझे पिता से अलग किया जाएगा, वो उसके लिए एक हेल से कम नहीं था, उसके लिए बहुत बड़ा एक हेल है, नरक है उसके लिए, क्योंकि पिता की उपस्थिति से वो वंचित हो जाए। आज तक वो पिता के साथ जुड़ा रहा, पिता की मर्जी पर पूरा करता रहा, अब कम्युनिकेशन खत्म, सब कुछ खत्म, अब बिल्कुल ब्लैंक होने वाला है। एंड ये उनके लिए बहुत बड़ी एक पीड़ा थी, और इसी को पीड़ा को सहने के लिए उनको बहुत सोच विचार करना पड़ा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने पिता ईश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं था। और आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया, प्रभु तेरी इच्छा हुई। इस निर्णय को लेने से पहले उनका पूरा शरीर, आत्मा, मन, सब हृदय, सब इन्वॉल्व थे, और वो इतना कि उनका जो पसीने था उसमें भी रक्त मिल गया। ये मानो ऐसे था जैसे उनको पीसा जा रहा है। ब्रदर दिनाकरन अपनी किताब में लिखते हीलिंग स्ट्राइप्स और लव्स और अमेजिंग में उन्होंने यीशु के दुखभोग पर बहुत अच्छा मनन चिंतन लिखा है, और उसमें वो लिखते हैं कि गस्समने का मतलब होता है कोलू, कोलू जिसको चलाते हैं, जानवर चलाते हैं, और बीच में उसमें जो है ना तेल निकाला जाता है, तेलों का तेल हो या सरसों का तेल हो, वो डाला जाता है और उसमें से उनका तेल निकाला। तो ही कंपेयर्ड दैट एग्नी विद दैट कोलू, कोलू तो गस्समनी बाग का अर्थ ही है कोलू, तो कोलू के समान जो है यीशु को निचोड़ा गया, मानो उनके रक्त भी पसीने के साथ वो बहता रहा। ये बहुत भयंकर एक ये वेदना है प्यारे भाई और बहनों। अक्सर जो है दुख सहने में इतना तकलीफ नहीं होता जितना दुख सहने का निर्णय लेने में होता है। यीशु ने भी जब तक निर्णय नहीं लिया तब तक वो बहुत परेशानी में, लेकिन जब निर्णय ले लिया तब उन्होंने क्या लिखा, उठो हम चले, मेरा विश्वासघाती आ गया है। और जैसे उठ के जाते हैं
सीधा बोलते हैं, किसको ढूंढते हो? He was ready to take up the cross. After saying yes, yes बोलने के साथ ही उन्हें ईश्वर का विशेष सामर्थ्य मिल गया, पवित्र आत्मा का शक्ति मिल गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। जब तक हम लोग हाँ नहीं बोलते हैं ना प्रभु की इच्छा के लिए, हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं आता। एंड उसके बाद में जैसे ही पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा मिलने के बाद में शहीद होना उनके लिए आसान था। उन्होंने स्वयं प्रेरितों को बोला था, प्रेरित चरित्र 1:8 में, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। वो साक्षी जो उसका जो मूल शब्द है, इब्रानी शब्द, वह है मार्तुस, यानी कि शहीद होना। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी शहीद नहीं हो सकता। और प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए एक डिसीजन हाँ बोलना है। इसलिए आरंभिक शहीद जो थे, जो हमारे कलीसिया के जो शुरू में, जो जितने भी कलीसिया में शहीद हुए शुरू शुरू में, बहुत से शहीदों की मैंने कहानियां सुनी, वो खुशी खुशी शहीद होने के लिए वो जाते थे। उन्होंने सोच रखा था कि हमें यीशु के लिए जान देनी है, यीशु के लिए निर्णय देना है, तो खुशी खुशी वो बहुत से कष्ट सह लिए। हम उनके कष्ट सोच भी नहीं सकते, स्वयं यीशु के कष्ट हम कल्पना भी नहीं कर सकते जितना इन्होंने कष्ट ये लोग सहे। इतना अपमान सहना, कांटों का मुकुट सहना और क्रूस उठाना, क्रूस कीलों से ठोका जाना, इट्स नॉट वेरी ईजी। बट वंस ही हैज टेकन डिसीजन, ही वॉज रेडी टू डू दैट एंड ही मूव्ड फॉरवर्ड। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी जब भी दुख तकलीफ का मौका आता है, कष्टों का मौका आता है, कभी प्रभु के वचन के लिए या साक्षी बनने के लिए हमको कष्ट सहना पड़ता है, और कभी हमारे घर के भाई बहनों के साथ उनके दुर्व्यवहार के कारण हमको कष्ट सहना पड़ता है, कभी कभी बीमारियां सहनी पड़ती हैं और वो हटती नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हट जाए, हटती नहीं है। जैसे प्रभु ने 3 बार विनती किया है, प्याला हट जाए, नहीं हटा। हमें भी उस टाइम गस्समनी बाग की तरह हमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। गस्समनी में सिर्फ 1 घंटा प्रभु रहा, लेकिन क्रूस 6 घंटे तक प्रभु क्रूस पर रहा। और उसके अलावा पहले उनको मानसिक कष्ट हुआ, अपमान हुआ, वो अलग, 1 घंटा वेदना, लेकिन बहुत बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। ये बहुत लंबा समय होता है जो सोचने का होता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज ये जो संदेश हमको सिखाता है कि हमें सोचने में समय नहीं गंवाना है। ओके, कष्ट आया, प्रभु का नाम लेके धन्यवाद करते हुए ईश्वर की ओर से स्वीकारे, आगे बढ़े। प्यारे भाई बहनों, आज हम इस कृपा के लिए विशेष प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से शक्ति मांगे, तक कभी भी हमारे जीवन में कष्ट आए, चाहे वो क्रूस जितना भयंकर क्यों ना हो, चाहे वो अपमान सहने का हो, चाहे हो शारीरिक कष्ट सहने का हो, किसी भी तरह का कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, और हमारे दिल का कष्ट हो, सब कष्टों में ईश्वर को धन्यवाद करने की आज हम विशेष कृपा मांगे। मां मरियम हमारी सहायता करे, क्योंकि मां मरियम ने सिर्फ गस्समनी में वो साथ नहीं थी, लेकिन बाकी सब कष्टों में मां मरियम उनके साथ रही। ये गस्समनी में डिसीजन लेने के लिए वो यीशु अकेले ही थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ कोर टीम को लिया, यीशु ने अपने चेलों को लिया, और चेले भी उनका पूरा साथ नहीं दे पाए। चेलों को सिर्फ जागने के लिए बोला, जागने में भी वो फेल हो गए, और उनको बोलते 1 घंटा भी तुम हमारे साथ जाग नहीं सके। फिर बोलते जागते रहो और प्रार्थना करो। यीशु को पहली बार लगा कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे। और हम पढ़ते हैं कि गस्समनी में स्वर्ग का दूत भी आके उनको सपोर्ट करता है, उनकी मदद करता है। कभी कभी शारीरिक जब हम पीड़ा में होते हमें भी सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें एक डिसीजन की जरूरत है कि वी शुड टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो जीसस। यीशु ने कभी नहीं बोला कि तुम गस्समनी में अपना समय बिताओ। यीशु ने बोला अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। डिसीजन है, ये ईश्वर की तरफ से डिसीजन है, यीशु की तरफ से डिसीजन है। जो भी मेरे पीछे आएगा उसको अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे आना है। अब यीशु को विश्वास करने के बाद में हमें सोचना नहीं है कि कष्ट आ रहा है। कष्ट तो आएगा, कष्ट आएगा। यीशु के नाम को लेने का मतलब ही है, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने का मतलब ही है कि कष्ट तो आएगा और हमें उसे
स्वेच्छा से स्वीकार करना है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें अपना क्रूस उठाने के लिए हमारी मदद करे, सही निर्णय लेने के लिए और हर कष्ट ईश्वर की ओर से स्वीकार करने में हमारी मदद करे। आमीन।